तो गाइज आज मौसम बहुत ज़्यादा हसीन है और बहुत ही खूबसूरत है और मेरा तो दिल कर रहा है। तो आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि शेड्स मुझ पर कैसे लग रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रही है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ कैमरे में, तो मैं बहुत अच्छी हाउस पर क्लीन आ रही हूँ। तो मैंने फातिमा से बोला है कि मेरी ओवरऑल लुक दिखा दें, तो प्लीज़ मेरी ओवरऑल लुक मेरे व्यूअर्स को दिखा दें। लिटल लिटल ऐसे मेरा सारा ड्रेस आज की। तो आप लोगों ने बताना है कि ये शेड्स मुझ पे कैसे लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ बिया मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिया मलिक। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरे साथ इसी तरह अपडेटेड इंटरेक्ट करते रहें। और जो लोग पहले से मौजूद हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, क्या हो गया, फ्री का काम है, जल्द से सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल के साथ इसी तरह बने रहो और जो है मेरी वीडियो को वॉच किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो ताकि चैनल जो है वो ग्रो कर सके। और फिर जी आपके साथ ऐसे ही मैं अपने व्लॉग्स बनाती रहूँगी और शेयर करती रहा करूँगी। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आज हम बहुत सी जगहों पर जाएँगे और बहुत इंजॉय करेंगे और आज मैं आपको आपकी फरमाइश पर रेमेडी बताने वाली हूँ फिर से, क्योंकि आप सब लोगों ने लिखा था कि हेयर ऑयल बताएँ या हेयर की कोई भी रेमेडी बता दें, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो बाल जो हैं वो फ्रीजी हो जाते हैं, फट जाते हैं और बालों में बहुत ज़्यादा बेजान से हो गए हैं। तो मैं आज रेमेडी ले आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको रेमेडी से जुड़ी हुई चीज़ें बता देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ तीन चीज़ें। सबसे पहले चाहिए मेथी दाना एक चम्मच, ठीक है, सब टाइटल में आपको इंग्लिश में पता चल जाएगा कि क्या कहते हैं इस इंग्लिश में। उसके बाद हमें चाहिए करी लीव्स कुछ थोड़े से और आधा प्याज चाहिए। और अब इसके अंदर आपने एक ग्लास डाल देना है पानी और 5 मिनट तक इसको हल्की आँच पर पकाना है। जब ये अच्छी तरह से पकते हैं, जब ये आपको लगना शुरू हो जाए कि ये सारी चीज़ों का जो असर है वो पानी के अंदर शामिल हो गया, तो एक चम्मच इसके अंदर ऐड कर दीजिए मस्टर्ड ऑयल। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। सारी चीज़ों को कर देना है अच्छी तरह से मिक्स और मिक्स करने के बाद आपने इसको छान कर एक प्याली में एक बोतल में निकाल लेना है और उसके बाद आपने इसको अपनी रूट्स के अंदर यूज़ करना है। इंशाल्लाह ताला विद इन 1 मंथ और विद इन 15 डेज आपके बाल इस तरह से प्यारे और खूबसूरत से हो जाएंगे और जो फ्रिजीनेस हो जाती है, जो बाल फटना शुरू हो जाते हैं यानी फिर आपके बाल जो उतर रहे हैं, पैचेस पड़ जाते हैं, गंजापन होना शुरू हो जाता है, ये सब का बिल्कुल परफेक्ट इलाज है और आपके बाल हो जाएंगे स्मूथ एंड शाइनी। और एक दिन आपने पूरा ये लगा के रखना है, उसके बाद आपने अपने बाल धोने हैं और उसके बाद बाल वॉश करने हैं। वॉश करने के बाद आपने कंडीशनर मस्ट यूज़ करना है, ठीक है, और वीक में आप ये 2 से 3 दफ़ा इस रेमेडी को यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो व्यूवर्स, हम बढ़ती हुई महंगाई का जो है जो आजकल हो गई है उसके बारे में मैलो से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। मैलो, पेट्रोल जो महंगा हुआ है क्या कहना चाहती हो, कुछ तो बोलो मैलो, कुछ तो बोलो, बोलो। पता नहीं, सख्त सदमे में है, आंखें इसकी चेक करते हैं आप, बिल्कुल ठीक नहीं है और मुंह भी इसका बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा, ये पता नहीं बहुत परेशान है, दहशत में चल गई है। जब भी कभी ऐसा होता है ना कि पेट्रोल बिजली गैस महंगा हो जाए तो ये दहशत में चल जाती है। तो गाइस ये देखिए हमने इसको क्या किया है, इसके हमने ब्लशर लगाया है और इसको थोड़ा सा मस्कारा लगाया है। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारी बिल्ली तैयार हो गई है। तो आप लोगों ने माशाल्लाह बोल देना है क्योंकि आप लोग नज़र लगा देते हो, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बिल्ली को नज़र लगे। तो अब हम इसका करेंगे बार्बी मेकओवर और इसे बनाएंगे पिंको। तो फिर आपको मैं इसको दिखाऊंगी आपको इसकी फाइनल लुक, पिंको बनाते हैं। आप जो आपने पिंक ड्रेस पहन है, ठीक है, ऑडियंस को कह दो कि पिंक ड्रेस पहनो, कि हाथ ला दो, ये वाला हाथ ला दो यूं यूं करके। ओके ऑडियंस, हम पिंक ड्रेस पहन के मिलते हैं फिर आपसे, ठीक है, तैयार होके ना ये आपसे मिलती है, अभी ये तैयार नहीं है, ठीक है, मिलती है फिर आपसे तैयारी शैयारी करके। तो ये सारी चीज़ें रख ली हैं और अब मैं इसको रेडी करती हूँ। पिंक ड्रेस भी मैंने इसका निकाल लिया है और अब मैं आपको इसको तैयार करके दिखाती हूँ।
तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि घर में दो आलू पड़े हुए थे, तो फिर मैंने ये सोचा और मैंने दिमाग लड़ाया कि मैं इन आलूओं के साथ क्या करूं, क्या रेसिपी बनाऊं। तो मैंने सोचा है कि मैं आज खाऊंगी आलू वाले पराठे, क्योंकि बहुत सी रेसिपियां मैंने देखी हैं और उनमें ज़्यादातर आलू वाले पराठे ही बन रहे होते हैं। तो मैंने अपने से अपने चैनल पे आलू वाले पराठे पहले भी सिखाए हुए हैं, तो वहीं से देख के मैं आज भी आलू वाले पराठे बनाने लगी हूँ। और उसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आपने वहां से जाके देख लेना अगर आप लोगों को आलू वाले पराठे की रेसिपी चाहिए हुई। तो चलते हैं आलू बनाने, यानी कि आलू वाले पराठे। ये तो गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आलूओं के जो छिलके हैं ना वो आप लोग उन्हें उतार लेने, क्योंकि मैं ये यूनिक तरीके से बनाने लगी हूँ, क्योंकि मैं इनके उतारूंगी छिलके पहले, ठीक है, और फिर मैंने इनको बॉईल करना है, ठीक है, और इनको हम फिर बॉईल करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो छिलकों समेत ही बॉईल कर लेते हैं, लेकिन नहीं, मैं आज इन्हें साफ सुथरे तरीके से बॉईल करूंगी। और देखना, और थोड़ा सा हम पानी में डालेंगे सॉल्ट, और जिससे सॉल्टी सॉल्टी हो जाएंगे हमारे आलू, तो उससे भी बड़ा अच्छा जायका आएगा। तो अब इसको छिलके को उतारते हैं और फिर इनको उबालते हैं। तो इस आलू वाले पराठों के लिए ज़रूरी है कि आटा भी गूंदा जाए, तो अब हम आटा गूंदते हैं आलू वाले पराठे के लिए, और इसमें थोड़ा सा डालते हैं थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट, आटे में मिक्स करते हैं और आटा गूंथते हैं, और आप लोगों को दिखाते हैं कि आलू वाले पराठे आज किस तरह बनने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। आप सब्सक्राइब नहीं करते तो वीडियो भी आप लोग देख लेते हो, लाइक भी कर देते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल दिया मलिक। और अब जल्दी से चलते हैं आटा गूंदने की तरफ। तो गाइज, आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं कि आप लोग किस सिटी से हो, ताकि मुझे भी पता हो कि मुझे किस किस सिटी से देखा जा रहा है और किस किस सिटी से मुझे वॉच किया जा रहा है, तो मुझे भी पता चलना चाहिए। तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग किस किस सिटी से हैं, तो मैं आप लोगों के कमेंट्स जो से हैं वो ज़रूर रीड करती हूँ। कोई भी ऐसा कमेंट नहीं है जो मैं रीड नहीं करती, मैं कमेंट्स भी रीड करती हूँ और मैं उसका आंसर भी देती हूँ, तो ठीक है। तो अब ये देखें मेरे हाथों को क्या हो गया है, तो चलते हैं आटा गूंदने की तरफ। तो व्यूवर्स, मैंने इसके अंदर नमक मिर्च और सब कुछ, धनिया और हरी मिर्च वगैरह इसमें मिक्स कर ली है, और मेरे जो आलू थे वो बॉयल हो चुके थे, और उसके बाद मैंने ये मिक्सचर बना लिया था। तो आप लोगों ने भी ऐसे अब रेडी कर लेना है। अब चलते हैं आलू वाला पराठा बनाने की तरफ, तो आपको वो बनाने का भी तरीका बताते हैं कि आपने आलू वाला पराठा कैसे बनाना है। एक तरफ हम लोग डालेंगे आलू, ज़्यादा है, थोड़े करें, थोड़े थोड़े करके डालेंगे, ठीक है, और एक तरफ डालेंगे हम, पहले इसको कैंची से कह रही हूँ, छुरी से काट लेंगे। हाँ, 4 पीस कर लेंगे इसके। हाँ ठीक है, आपको आई होप समझ आ रही होगी कि आपने क्या क्या करना है। तो ये हमने बना लिए इसके तकोन, तकोन, ठीक है। अब इसके अंदर डालेंगे घी डालेंगे, हम इसके अंदर घी भी लगा लेंगे, क्योंकि इससे हमारा जो पराठा होगा ना वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा, इसलिए हम इसके अंदर लगाएंगे घी। और अब हम थोड़ा सा डालेंगे प्याज, ठीक है, और एक जगह पे डालेंगे हम धनिया। तो अब हम इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है, अब हम इन सबको एक दूसरे के ऊपर नीचे रख देना है, ताकि हमारा एक गोल सा पराठा बन जाए। और इसके ऊपर भी लगाएंगे घी, और ठीक है, इन सबको कर देंगे फोल्ड। तो गाइस देखिए, हमारा जो पराठा है, देखिए कितना यमी और कितना मजे का लग रहा है, देखने से इतना मजे का लग रहा है। और अब हम इसको डाल देंगे अपने तवे में, तवा आप लोगों ने गरम ही इस्तेमाल करना है, मतलब कि तवे को थोड़ा सा गरम कर लेंगे, फिर आप लोगों ने पराठा डालना है। इस तरह ये होगा कि आपका पराठा जो होगा वो जुड़ जाएगा, इसलिए अपने ठंडे तवे में तो बिल्कुल नहीं डालना।
तो आप लोगों ने क्या करना है कि गर्म तवे के ऊपर अपना पराठा डाल लेना है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम लगाते हैं घी और इसके बाद हमारा जो हो जाएगा पराठा तैयार। हम लोगों ने डाल लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लिया है और अब हमारा जो पराठा है वो तैयार होने वाला है, तकरीबन तैयार ही होने वाला है। तो अब इसको पलटते हैं, गर्म गर्म पराठे को पलटना ही बड़ा मुश्किल होता है, तो आप लोगों ने बड़े एहतियात के साथ गर्म गर्म पराठे को पलटना है और आपका डिलीशियस पराठा तैयार हो जाएगा। गाइज हमारा जो है पराठा जो है वो तैयार हो चुका है और मुझे तो बहुत ही देखने में यमी लग रहा है। अब इसको खा के देखते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है, धुएँ निकल रहे हैं इसके अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडिंग है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये ट्राई करके रेसिपी। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रेसिपी पे, और मुझे दें इजाज़त और मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मेरे चैनल का नाम है बिया मलिक। बाय बाय। आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा सिस्टर डे मुबारक हो। जो 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 सिस्टर्स हैं, जिनकी सिस्टर्स हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी सिस्टर के साथ आज का जो डे है वो मनाएं। और मैं ज़रा काफ़ी लेट हो गई हूँ मनाने में, क्योंकि फातिमा घर नहीं थी तो इस वजह से मैं मना नहीं पाई। तो आप लोगों को जो जिनकी भी सिस्टर्स हैं वो ज़रूर मनाएं। तो मैं फातिमा के साथ कुछ क्वेश्चन करने लगी हूँ कि फातिमा मेरे बारे में क्या जानती है और क्या नहीं। तो चलते हैं फातिमा को, फातिमा से करते हैं क्वेश्चन। सो ऑन दिस नोट व्यूअर्स, मैं भी मलिक आपसे अलविदा लूँगी। मैं मिलूँगी आपसे अपनी एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में रखिएगा याद। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट, एंड बाय फॉर नाउ। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दिया मलिक। बाय।